हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे फाइब्रिस्टोन 25 mg टैबलेट्स के बारे में। इस टैबलेट के अंदर अपन कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसके अंदर दिया गया है मिफेप्रिस्टोन 25 mg। तो आज अपन इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए डॉक्टर्स इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं और इस टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फ़ायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यह जो टेबलेट है फाइब्रिस्टोन 25, इसमें जो कंपोजिशन दिया गया है मिफेप्रिस्टोन 25 mg, आखिर क्या काम करता है? तो देखिए, यह जो टेबलेट है खास तौर पर महिलाओं के लिए बनाई गई है। अपन बात करें इस टेबलेट के कुछ मोस्ट कॉमन यूजेज के बारे में, तो इस टेबलेट का मुख्य उपयोग यदि कोई महिला है उसको फाइब्रॉइड यूट्रस की समस्याएं हैं, मतलब कि उसके यूट्रस के अंदर कुछ गांठे वगैरह बन गई है, तो उससे राहत पाने के लिए डॉक्टर इस टेबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा कई बार महिलाओं को यूटेराइन कैंसर की समस्याएं रहती है, यूट्रस के अंदर कैंसर वगैरह जैसी समस्याएं होती है, तब भी डॉक्टर से इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसके अलावा अपन बात करें इस टैबलेट के नेक्स्ट यूज के बारे में, तो इस टैबलेट का मुख्य उपयोग प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि यदि कोई महिला है प्रेगनेंसी को रोकना चाहती है तब भी डॉक्टर से इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। और अपन बात करें इसके यूज के बारे में, तो ऐसी महिलाएं जिनको ब्रेस्ट कैंसर की समस्याएं रहती है या फिर ब्रेस्ट लंप की समस्याएं रहती है, ब्रेस्ट के अंदर कुछ गांठे वगैरह बन जाती है, तो ऐसी समस्याओं से राहत पाने के लिए भी डॉक्टर से इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। यह जो टैबलेट है बहुत ही ज़्यादा रिजल्ट देने के काम करती है आपके फाइब्रेट यूट्रस के अंदर, यानी कि यूट्रस के अंदर कुछ गांठे वगैरह बन जाती है तब डॉक्टर से इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं। देखिए, अपन बात करें इस टैबलेट के डोज के बारे में, तो डोज पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए डिसाइड की जाती है। कई बार पेशेंटों को यह जो टैबलेट है लगातार 3 से 4 महीने तक इस टैबलेट को लेने की सलाह दी जाती है, दिन में केवल 1 टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। यह जो टैबलेट है, अपन बात करें इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो पेशेंट को नोजिया वोमिटिंग जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है, या फिर कई बार उसकी मेनोपॉज जैसी समस्याएं देखने को मिल सकती है, माहवारी में अनियमितता देखने को मिल सकती है, या फिर किसी तरह की और कोई एलर्जिक समस्याएं देखने को मिले तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इस टैबलेट का उपयोग करें। देखिए, मैं जिस टैबलेट का रिव्यू कर रहा हूँ फाइब्रिस्टोन 25 mg, इस टैबलेट की प्राइस है 658 रुपये, जिसके अंदर 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको नॉर्मली मिल जाती है। यदि आप अन्य ब्रांड की और कोई दूसरी टैबलेट का इस्तेमाल करोगे जिसके अंदर मिफेप्रिस्टोन 25 mg दिया गया हो, तो उसकी प्राइस में आपको कम या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। तो मैंने आप सभी को इस वीडियो में बता दिया है फाइब्रिस्टोन 25 mg टैबलेट्स के बारे में कि आखिरकार किस तरह की समस्याओं से राहत पाने के लिए डॉक्टर से इस टैबलेट को प्रिस्क्राइब करते हैं और इस टैबलेट का इस्तेमाल करने के बाद में पेशेंट को क्या क्या इसके फायदे और क्या क्या इसके नुकसान देखने को मिल सकते हैं। आप सभी को संपूर्ण जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी है। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी भी नॉलेज मिली तो यार वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना, ताकि जब भी हम अगला वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।